आ रहे हैं अपना ऑनलाइन हाइब्रिड स्वागत है आपका जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और, और मैं आपको कि हिंदी को कैसे बेहतर बनाया जाए और कैसे इसमें ज्यादा ज्यादा अंक प्राप्त कर लिए। तो मिलते हैं में। मैं डॉक्टर अली आ रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए विज्ञान आसान तरीके से जिससे आप अपना अच्छे से एग्जाम पास कर सकेंगे पूरे में पूरे नंबर ला सकेंगे मैं आ रहा हूं आपको इतिहास पढ़ाने हिस्ट्री रचेंगे हिस्ट्री को रच देंगे नंबर लाएंगे पूरे में से पूरे बच्चा पार्टी मैं संदीप सिंह आपकी रीजनिंग की फैकल्टी इस बार आपको दिलाने आ रहा हूं डी में 20 में 20 तो चलिए करते हैं रीजनिंग का सारा फंडा क्लियर हेलो एवरी वॉन दिस इज दीपक हेयर मैं आ रहा हूँ आपको इंग्लिश पढ़ाने डी ट्रिपल एस बी में इस बार हमारा टारगेट है बीस में से बीस और मैं गजेंद्र सिंह आ रहा हूँ आपको जोग्राफी पढ़ाने के लिए सो बी रेडी टू स्कोर बेस्ट इन ज्योग्राफी जी नमस्कार मैं कौशल सारस्वत मैं लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए फिजिक्स जिसमें आप करेंगे अपने आप को पहले से ज्यादा बेहतर जी मैं आ रहा हूँ आपको मैथ्स पढ़ाने और आप आए जय के साथ विजय पाने जय भारत

बस अगर ये भी नहीं पता तो फिर क्या तुम्हें शर्म के डूब के मर जाना चाहिए आने से पहले है ना नया ट्विस्ट था ये चलेगा तो आज के भी सवाल करेंगे आज हम क्या करेंगे कुछ नया करेंगे और नए से पहले देखो ये चार टीवी ये देखो क्या है राहुल सर दिखाना जरा फोर टीवी क्या है देखो फोर टीवी अनाउंसमेंट होगा थर्टीएथ जून यूट्यूब पर दोपहर तीन बजे उनतीस तक तुम्हें सोचने का टाइम दिया है तीस को जवाब देंगे हम ठीक है जी तो आप सोचा कि किसी ने क्या हो सकता है क्या नहीं गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर प्लीज कल की पीडीएफ दे दिया करो वे तो कल दे दी थी ना कल की रह गई थी भाई दे देकर ऐसा ना किया कर ऐसा ऐसा मत किया कर जी चलो तो करे भाई शुरू रेडी एकदम तैयार हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग चार टीवी बहुत सोच बेटा बहुत दिमाग लगाओगे जब जान पाओगे ऐसे आसानी से दिमाग ना लगाए है ना घन घर घन कर दी आप है ना हाँ तो यही वाली बात है अगर ये भी बताना पड़े कि तुम हो तो फिर क्या फायदा चलिए तो शुरुआत करते हैं भेज दी भाई कल की पीडीएफ चलो जी कल की पीडीएफ भी चली गई चेक कर लीजिएगा तो आज के जो सवाल होंगे आज की पीपीटी आप में से ही किसी एक बच्चे की है इसकी पीपीटी किसने भेजी इसकी जानकारी क्लास के अंत में देंगे लेकिन उससे पहले आज की क्लास रेडी है सारे लोग और अगर सारे लोग तैयार हैं आज आज का जो फोकस है वो स्पेशल फेमस पर्सनैलिटी पर होगा इंडिया की जो है ना तो हिंदुस्तान की कुछ प्रमुख जो है व्यक्तित्व पर बात करेंगे आज जी सीमा सिंह जी गुड इवनिंग रोहित नाम लिया कभी हम भी ले लिया करो हमारा नाम ठीक है जी ले लिया तो आज की क्लास के साथ शुरू करेंगे हम आपके सामने ये तो आज बिल्कुल एकदम कुछ नई चीज ताकि आप इस पर भी फोकस कर पाए और आज के लिए आपका पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर भाई और बहनों देवी और सज्जनों रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल पहला सवाल आपके सामने आया ये कि नेम द फर्स्ट नेमेन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर भारत की पहली प्रशासनिक सेवा अधिकारी का नाम बताइएगा आरती शाह कल्पना चावला संगीता चौधरी या अन्ना रंजन जॉर्ज जी बताइएगा ये जॉर्ज है बेटा है ना जोर्ज तो किन का नाम आएगा सबके ने जी जॉर्ज है सर नेम के साथ मल्होत्रा भी लगाया हुआ है तो आप देख सकते हैं कौन थे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पहली जी तो यहां इस सवाल का जो जवाब दे रहे हैं इस सवाल का सही जवाब अन्ना जॉर्ज के नाम से पढ़ता है लेकिन पूरा नाम है अन्ना रंजन जॉर्ज तो आप पूरा ना रंजन तो आप जो पूरा पढ़ेंगे ये है नाम ऑप्शन नंबर डी और ये है इनकी फोटो आपके सामने करेक्ट आंसर दिया जा रहा है सिविल सर्विस इन नाइनटीन फिफ्टी वन एंड ऑप्टेड मद्रास कैडर तो इसका मतलब मद्रास कैडर में पहुंची थी उन्नीस में इनकी भर्ती हुई थी सवाल नंबर चार के जवाब तो आज कुछ नई जानकारी के साथ हम आप लोगों के सामने बढ़ रहे हैं यहाँ इसके बाद आपका दूसरा सवाल ये रहा दूसरा सवाल बताना है ये हु वॉज द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट इंडिया के पहले पहला भारतीय सिविल सेवक कौन था पहला भारतीय सिविल सेवक कौन था रविन्द्रनाथ टैगोर सत्येंद्र नाथ सत्येंद्र बोस सत्येंद्र नाथ टैगोर और दादा भाई नेहरू जी बताइएगा बताइएगा नेहा मल्होत्रा कहती हैं सर जी हमारी कास्ट का कोई तो मिला वाह बेटा तुम कास्ट में तो पहले सिविल सर्वेंट के रूप में कौन जाने जाते हैं बताइएगा तो याद रखिएगा पहले सिविल सर्वेंट जाने जाते हैं सतेंद्रनाथ टैगोर जी क्या जाने जाते जातेन्द्रनाथ टैगोर और टैगोर जी का फोटो आपके सामने ये रहा है ना ये है उनका फोटो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है जी और ये देखिएगा ये टैगोर खानदान से ही थे और जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के क्या थे भाई उनके बड़े भाई थी द ओनली इंडियन टू बी अवार्डेड नोबल प्राइज इन लिटरेचर क्या है नोबल प्राइज इन लिटरेचर में कौन है रविंद्रनाथ टैगोर ना कि सतेंद्रनाथ टैगोर मूलतमत पढ़ लेना जन्म हुआ था 1842 में कलकत्ता थी बंगाल में है ना कलकत्ता सत्येंद्रनाथ टैगोर और इन्हीं के एक भाई थे रविंद्रनाथ टैगोर के भी भाई थे अवनींद्रनाथ टैगोर अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे वो एक पेंटर हुआ करते थे तो पेंटिंग में उनकी बड़ी जानकारी थी इसलिए पेंटर थे आगे बढ़ेंगे दो का जवाब आप दे चुके हैं तीसरा सवाल ये रहा आपसे पूछा जा रहा है चंडीगढ़ का डिजाइन किसने किया था चंडीगढ़ आपने देखा पक्षी बना रहता है चंडीगढ़ के गेट पर जब एंट्री करते हैं जी चंडीगढ़ के बारे में पूछा जा रहा है बताइएगा क्या है जी जी पूरा परिवार ही टैलेंटेड था हां उनके बाद आप सरोजनी नायडू को भी जानते हैं ना वो जी तो इस सवाल का जवाब चंडीगढ़ को किसने डिजाइन किया था तो चंडीगढ़ को डिजाइन करने वाले थे ली कोवोसियर तो हाँ, अच्छा एडवर्ड लुटींस का नाम किसके साथ जुड़ा होता है ये जो साहब हैं इनका नाम किसके साथ जुड़ा है फिलहाल इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए है कुछ लोग बी भी, भी देंगे तो बी वाले फंस ना जाना रो ना जाना इस सवाल का जवाब जो है बहुत सारे लोग जो दो ये बी नहीं बी नहीं है बस आपको ये बताना है कि ऑप्शन नंबर बी किसके साथ जुड़ा है सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़ को यहाँ से बस सी याद रखना इनके नाम में है ना ने किया था ली कॉर्बोस जी तो आपके सामने सवाल नंबर तीन आया है उससे हमें जवाब पा चुके हैं लेकिन आपको बताना है एडवर्ड लुटिंस ने है किसको डिजाइन किया था ये रहा आपके सामने फोटो इन साहब का जिन्होंने किया था चंडीगढ़ को डिजाइन चंडीगढ़ द ड्रीम सिटी ऑफ इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू आज प्लान बाय द फेमस फ्रेंच आर्टिकटेक्ट इंडियन गवर्नमेंट फर्स्ट द डेवलपमेंट ऑफ चंडीगढ़ टू एन अमेरिकन प्लानर एंड आर्टिकेक्ट अलबर्ट मेयर तो यहाँ आपके सामने पूरी जानकारी के साथ और नई दिल्ली का जो डिजाइन है रायसेना हिल और आप देखते हैं वो क्या है जो कनाड प्लेस वाला एरिया है बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी रखेंगे तो आपको एडवर्ड जो नाम मिल जाएगा वो हमने आपको दिखाया है जिनका नाम आपके सामने नया सवाल आ गया फिलहाल सवाल नंबर चार अमजद अली खान इज एसोसिएटेड ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपसे पूछा जा रहा है अमजद अली खान साहब जो हैं वो किस उसके साथ जुड़े अमजद अली खान जो साहब हैं तो आपने देखा होगा एक इंसान व्हाइट से बालों वाला ठीक है अट्टा घट्टा भी कह सकते हैं वो भी लेकिन हाथों में कुछ रखता है बड़ा सा कुछ इस तरीके से तो आपको बताना है ये जी दिल्ली वास डिजाइन बाय चलिएगा तो आपके सामने सवाल है अमजद अली खान इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन है दूसरा वीना वायलिन या फिर सितार जवाब दीजिएगा क्या होगा तो ये जो जवाब आएगा जी हां ये है किसके साथ ना वीना है ना हाँ, है ना फिर सितार है इसका जवाब क्या होगा सरोद अच्छा सितार वादक जो है सितार सितार जो जो है ये जो सितार वादक हैं इनके साथ किसका नाम फेमस है ये भी बता दो सितार के साथ किसका नाम फेमस है हिंदुस्तान में वो सरोद बिल्कुल ठीक है इस सवाल का जवाब वीणा दक्ष ना ना बेटा वीणा तेरा नाम के साथ ना जुना है ना ओहो ये देखो लड़की कितनी खुश हुई कि मेरा नाम आया पगली है ना ना जी सवाल नंबर का जवाब दीजिएगा आप चार के साथ क्या एक तो जवाब दे दिया सरोद आपको बताना है कि भारत में सितार वादक के नाम से कौन फेमस है जी सितार वादक के नाम से कौन फेमस है बताइएगा जरी सरोद वाद्य यंत्र के साथ बिल्कुल सही है कोई क्या बता पाएगा हम इनका फोटो दिखा देते हैं ये रहा इन साहब का फोटो सतो जो है सरोद प्लेयर है अमजद अली खान बंगेश इज एन इंडियन क्लासिकल क्लासिकलोत प्लेयर बेस्ट नोन फॉर क्लियर एंड फास्ट एक्टेटर टॉन्स और इसके साथ ही सिविलियन ऑनर पद्म विभूषण इन टू थाउजेंड वन सितार के लिए रविशंकर बहुत बढ़िया मेरे बच्चे बहुत ही बढ़िया एकदम मजेदार बेहतरीन जबरदस्त आगे बढ़ेंगे इसी के साथ जी हाँ पंडित रविशंकर के साथ आप जाते हैं किन के साथ जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए सितारवादक में आगे बढ़ेंगे नया सवाल देखेंगे रहा आपके स्क्रीन पर गुरु गोपी ऑफ ऑफ द फॉलोइंग डांस कि गुरु गोपी कृष्ण जो है निम्न में से किस नृत्य शैली के उस्ताद थे किसके बारे में बात करें गुरु गोपी कृष्णा तो आज की क्लास आपको बेहतरीन लगेगी मैं पहले ही बता दे रहा हूं क्योंकि अलग जानकारी के साथ जी चलेगा वर्ल्ड में अमीर खुसरो है है हिंदुस्तान में रविशंकर रविशंकर बहुत बढ़िया चलेगा और उनकी बेटी आपने देखा होगा बिल्कुल हरिप्रसाद चौरसिया जो है वादक जिनका निधन हो चुका है वो तो है नहीं हमारे बीच में है ना तो आपसे पूछा जा रहा है किसके डांसर हैं तो आपने देखा हो ये बड़ी बड़ी आंखों के साथ मटकीले मटकीले ऐसे ना पता नहीं हाथ कैसे करते थे ऐसे कुछ होता तो है मैंने देखा नहीं ऐसे ना कुछ हम तो ऐसे ना जब रात में लाइट भाग जाया करती थी भाग जाती थी मतलब चली जाती थी जब छोटे छोटे थे तो परछाइयों के सामने बनाते थे ऐसे ऐसे बनाते थे कि देखो बत्तख दिख रही है कुत्ता दिख रहा है सांप दिख रहा है ऐसे बनाया करते थे है ना तुमसे आता है कि नहीं ये मैं जानता नहीं जी तो इस सवाल का क्या जवाब होगा हम्म कुछ जानकारी जरूरी सवाल नंबर पांच का जो सही जवाब है ये है कत्थक तो जिन लोगों ने जवाब दिया है कत्थक वो बिल्कुल सही है और ये रहा कत्थक है ही वाज अ कथक डांसर ही वॉज गिवन टाइटन नटराज जो नटराज है ना ही वॉज गिवन टाइटल क्या है नटराज ये जो तो फेमस वर्ड है इसको ध्यान रखिएगा ही वॉज बिलोंग टू बनारस डांस घराना ही लर्न डांस फ्रॉम महिलंगम पिल्लई एंड गोविंद राज पिल्लई तो इनके बारे में एडिशनल जानकारी थी फिलहाल आगे बढ़ेंगे नहीं सवाल की तरफ नंबर सिक्स है जेमिनी रॉय जैमिनी रॉय जैमिन जो है वो फेमस है किस कला के लिए किस कला के लिए प्रसिद्ध है जैमिनी रॉय जैमिनी रॉय को हमने पढ़ा था बचपन में सब ऐसा ही करते थे बहुत बढ़िया सही है मेरे को लगा मेरे अंदर कुछ ऐसा कीटाणु था अच्छा जैमिनी रोए जो नाम है नामिनी रोए चलिए नाम, नाम बताइएगा ये नाम जो है ये फीमेल का है या मेल का है फीमेल का है या मेल का है जो लोग पेंटिंग करते हैं जिन्होंने ड्राइंग किया होगा जिन्होंने जैसे बीए ड्राइंग या एमएससी में बी में सी एम एफ किया होगा तो वो देखते हैं ये क्या है पेंटर चित्रकार लेकिन मैं पूछ हूं ये मेल है कि फीमेल है जी मेल है कि फीमेल है जी सवाल का जवाब नृतक नहीं होगा इस सवाल का जवाब पेंटर होगा और आप में से जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं सर जी ये क्या है फीमेल है तो जी हे नहीं इनके नाम से ना जाइएगा ये है मेल, ये है मेल यह हैदम भूषण मिला था इनको 1955 में ऑनर्ड किया गया था स्टेट अवार्ड पद्म भूषण इंडियन पेंटर है मोस्ट फेमस पीपल ऑफ अबनिंद्रनाथ टैगोर जो मैं बता रहा हूं आपको अभिनन्द्रनाथ टैगोर जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे उनके क्या थे फेमस शिष्यों में से रहे थे इनके लिए ओरिजिनलिटी आर्ट ऑफ इंडिया रिमेन मतलब बहुत सारी जानकारी आपके काम के नहीं इसलिए मैंने हटा दिया फिलहाल क्वेश्चन नंबर सेवन किस व्यक्ति को भारत का पक्षी आदमी कहा जाता है कॉल बर्ड मैन ऑफ इंडिया बर्ड मैन ऑफ इंडिया आज के सवाल आपके धुएं उड़ा देंगे धुएं किस चीज के एग्जाम के चलेगा पूनम काटला जी जिस दिन होगा उसी दिन पेपर देने जाएंगे अभी से सोच के क्या करना सवाल नंबर सात का जवाब दीजिएगा क्या है जी इनका नाम उनसे जुड़ा होता है जिनके साथ आप देखते हैं भाई वाले जो मूवी आते हैं ना अभी हाल फिलहाल आई थी ईद पर एक मूवी कौन सी आई थी वो थी ना वॉन्टेड वाली वॉन्टेड क्या नाम था राधे नाम क्या था राधे तो राधे के जो ओरिजिनल पिताजी हैं उनके नाम से इनका नाम जुड़ा है बाकी आपके सामने ऑप्शंस आ चुके हैं जी सलीम 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 जी हाँ जिन्होंने लिया सलीम अली तो सलीम अली बिल्कुल सही जवाब है एकदम सही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है भारत के पहले क्या भारत के पहले क्या है भाई राष्ट्रपति हैं श्री श्री, श्री कृष्ण सिंह के बारे में आप जानते नहीं तो मैं भी नहीं जानता इसलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं क्वेश्चन नंबर ये रहा तो सलीम मुजुद्दीन अली वाज एन इंडियन ऑर्थोनोलॉजिस्ट एंड रेफर्ड एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली वाज द फर्स्ट इंडियन टू कंडक्ट सिस्टमैटिक बर्ड सर्वे अक्रॉस इंडिया एंड रोड सर्वल बर्ड्स बुक तो याद रखिएगा सलीम अली साहब इनका नाम है आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर आठ है विच पर्सन इज कॉल्ड मैसूर टाइगर मैसूर के टाइगर से किसको मतलब मैसूर टाइगर के नाम से जी सबसे घटिया मूवी कौन सी देख ली हाँ चलिए रोबोट टू अक्सर कैरेक्टर वाज इंस्पायर्ड बाय सलीम अली बिल्कुल रोबोट टू की जो मूवी है इसीलिए चर्चा में भी आए थे फिलहाल आपके सामने है इनके नाम पर बर्ड सेंचुरी भी है नेत्रा जी धन्यवाद इस बारे में बताने के लिए रोबोट टू मूवी बनी है इन्हीं पर ये धन्यवाद जी आगे आपके साथ बढ़ते हैं और अभी फिलहाल मैं आपको बीच में एक चीज और दिखाने वाला हूं देखना मेल पे आई है क्या जी तो यह कहा जाता है कि मैसूर टाइगर किसके नाम से देखिए मैसूर टाइगर का जो नाम जाता है वो सब लोग जानते हैं सब लोग जानते हैं जी एक बार मुकेश जी को फोन कर लेना अभी आपको एक फोटो दिखा देता हूं दूसरा ये फोटो है भाई ये वाला तो आपके सामने एक फोटो है ये है तैयारी जीत की तैयारी सफलता की नाउ आज रात को हम पढ़ेंगे सिक्स थिंकिंग थ्योरी में जो थ्योरी विद क्वेश्चंस के साथ बाल विकास एवं मनोविज्ञान में तैयारी सफलता की जिसमें पढ़ेंगे हम सिक्स हेट थ्योरी तो ये जो सिक्स हेट थ्योरी है इसके बारे में आज जरूर समझेंगे शाम को चलेगा अभी फिलहाल बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ और जो इस सवाल का सही जवाब है वो है टीपू सुल्तान अच्छा टीपू सुल्तान जो है तो टीपू सुल्तान के पिताजी का क्या नाम है टीपू सुल्तान के जो फादर हैं उनका नाम बताइएगा और टीपू सुल्तान का जो नाम जुड़ा है वो इंडिया के कौन से स्टेट से जुड़ा है ये भी बता दीजिएगा वैसे समझदार होंगे तो समझ जाओगे मैसूर मैसूर कहां पर है बता दोगे अभी जी तो बताइएगा ये हाँ कहा जाता है कि टीपू सुल्तान जब लड़ते रहे थे शेर के साथ तो इनकी बॉडी पर कितने थे लगभग लगभग 59 नाइन या सिक्सटी के साथ थे लेकिन लड़ते रहे थे जी अब आगे बोलेंगे हाँ बेटा मैं समझ गया था जिसको मूवी घटिया मिला तो ये था अब आपके सामने आता है इस चीज का जो सवाल का जवाब है वो बिल्कुल सही है टीपू सुल्तान साहब है और इनको बोला जाता है ग्रेट जो सुल्तान है हा ना मैसूर के टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ लड़े भी थे बहुत सारी चीजों के साथ है और बेंगलोर मतलब कर्नाटका से है विच पर्सन इज कॉल्ड प्रिंस ऑफ बिल्डर्स प्रिंस ऑफ बिल्डर्स वास्तुकला का राजकुमार किसको कहा जाता है वाह जी अली दो बार अंग्रेजों को हराया बहुत बढ़िया श्रीरंगपटनम की लड़ाई थी हाँ जी बहुत बड़े मेरे बच्चे तो यहाँ आपके सामने पूछा जा रहा है एक नया सवाल पूछा जा रहा है वास्तुकला का राजकुमार वास्तुकला का जो राजकुमार प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के बारे में बाबर है शाहजहां है भगत सिंह है या अमीर खुसरो है बताइएगा क्या होगा इस सवाल का सही जवाब आपके सामने ऑप्शन है डी में से लेकिन याद रखिएगा प्यार की मोहब्बत की जिन्होंने बना दी थी पूरे ताजमहल तो वही है इसके बिल्कुल प्रिंस है तो प्रिंस कौन है शाहजहां शाहजहां ने क्या मिलवा ताजमहल याद किसके थी मुमताज की थी आज के टाइम में तो अपने घर में छुपाने वाली बात है ना है ना समझ गए ना तुम लोग कोई मुमताज के लिए तुम्हें लग रहा है आज तुम में से कोई साहजा नहीं होगा और वैसे मुमताज भी कोई नहीं होगी है ना हाँ तो ये वाली बात तो इसका मतलब फिलहाल हटा के चलते हैं और जानकारी को ऐसे बढ़ाते हैं शाहजा जो है इन्हें मुगल आर्टिकल्चर का क्या ग्रेटेस्ट जो टाइम बताया जाता है शाहजहा बोन हुआ था इसको छोड़ देते हैं बस इतना याद रखना जी नया सवाल आपके सामने विच पर्सन इज कोल्ड पायुली एक्सप्रेस जो पायल एक्सप्रेस किसको कहा जाता है बताइएगा जी पायली एक्सप्रेस किसको कहा जाता है आपके सामने ऑप्शंस आ चुके हैं चार कोई एक सही जवाब होगा बताइएगा क्या होगा जी हम्म अब देखिएगा जैसे आप ने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जी शायद इनकी मेरी बेटा वो नहीं मेरे को याद है ना तो शायद आप लोगों को एक बात बता दू हम्म फालतू में पैसा खर्च किया था ओ भाई उसके पास था तुम्हारे पास नहीं है तुम गिफ्ट भी नहीं देते हो उसने ताजमहल बनवा दिया इसमें क्या बात है है ना हाँ तो तुम देख लो तुम गिफ्ट भी नहीं देते किसी ने ताजमहल बनवा दिया आज के टाइम में तो ऐसा हो रहा है आज के में तो बड़े बाप की बेटी मिल जाए तो लगा लो लपेट लो है ना और तो उसके बाद ठीक है भाई बाद क्या करना पैसा खर्च करेंगे आजकल के बहुत सारे केस ऐसे आते हैं है ना बिल्कुल तो जी पीटी ऊषा है जी हाँ आजकल पीटी ऊषा के नाम के साथ एक और बड़ी फेमस ट्रैकलाइन चली थी और घर घर गाँव गांव गाँ, अगर कोई भागता हुआ पा जाता एकदम पीटी ऊषा ही हो रखी है मतलब आज मेल हो चाहे फीमेल हो उसके साथ एक बिल्कुल एकदम पीटी ऊषा हो रखा है तो पीटी

ट्रांसलेशन पक्का पक्का गलत है फिर भी कोई बात नहीं चलेगा तो नया सवाल आपके सामने ग्यारह नंबर मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया जी कौन है ताजमहल तो हम भी बनवा दे वो मरती ही नहीं ये भी बात सही <laughs> चलो ठीक है है ना भाई सुन लेगी मैं बता रहा तेरे जान आ जाएगी तेरे लिए ताजमहल खुल जाएगा सर <laughs> जी ताजमहल तो हम भी बताए है ना चलो बहुत बढ़िया आपके सामने हाँ तो आपके सामने आ रहा है मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया किसके नाम जी मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया बहुत बढ़िया चलिए परी के नाम से भी जाना जाता है किसको मार्टिन लूथर साहब को वो मार्टिन लूथर नहीं सॉरी पीटी गुषा को जी जल्दबाजी में बुलवा देते हो तुम तो सवाल नंबर थर्टीन है थर्टीन का जो जवाब है याद रखिएगा मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया है वो जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी आप ये बताएंगे फिलहाल इस सवाल का जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती वो होंगे जो है आर्य समाज के लिए जाने मूर्ति पूजा में से इनका बिल्कुल वो ध्यान वो हो गया था मतलब नहीं भगवान मूर्तियों में नहीं रहते जब इन्होंने देखा था भगवान के लड्डू चूहा खा रहा था एक बात सोचो एक ने चूहा देखा खाते हुए लड्डू को तो बोला कि भाई ये भगवान नहीं है और एक इंसान ने जब चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया तो थ्योरी बना दी कंडीशनिंग। तो दुनिया हर जगह अलग अलग घूमती है जी तो यहाँ इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो है दयानंद सरस्वती जी दयानंद सरस्वती चलिएगा लाल बहादुर शास्त्री देश का सबसे बढ़िया लाल जो थे इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर और जिनकी आ, ताशकंद समझौता था शायद ताशकंद में जहां मृत्यु हो गई थी है ना हाँ दो अक्टूबर जो गांधी जयंती के दिन इनका भी क्या है जन्मदिन मनाया जाता है ये थे एडिशनल जानकारी मेरी तरफ से ग्यारह नंबर के जवाब में स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडर ऑफ ए किसके आर्य समाज के स्कॉलर थे वैदिक लाहौर के लाहौर के इसलिए आगे बस मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया के नाम की इनको दी जाती है उपाधि सवाल नंबर बारह आपके सामने ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया क्यों किसको कहा जाता है जी सर हम भी आर्य समाजी हैं ठीक है, है बेटा मैं तो पक्का भगत भाई सुबह सुबह बिल्कुल एकदम मैं भगवान जी है प्रभु जो भी है दिन में देख लियो जो भी है जो चीज देखो यकीन है मानो तो पत्थर है पत्थर है मानो तो भगवान है मुझे लगता है कोई ना कोई परम शक्ति जरूर है इस दुनिया में जो पूरे संसार को चला रही है है ना ना मानने वाले के लिए नहीं मानने वाले ना हम किसी को कहते मान ना कोई हमसे कहता तू मत मान कोई बोलेगा तो मैं क्यों ना मानू तो ये तो अपनी श्रद्धा है भाई जी तो ये जो है ये तो सब लोग जानते हैं शेक्सपियर ऑफ इंडिया क्या है कालिदास और जो कालीदास है वो क्या है महाकवि कालिदास कालिदास जी के बारे में वो है ना जिस डाली पर बैठे उसी को काट देते थे पत्नी नाराज हो गई थी अब पत्नियों का भी खेल बड़ा निराला है एक की पत्नी के प्यार में है ना एक अपनी पत्नी के प्यार में ताजमहल बनवा देता है एक की पत्नी नाराज होती है डाली काट देता है तो ये तो समझ नहीं आई जिंदगी पर चलो इसीलिए कहते हैं हर इंसान के सक्सेसफुल वर्ड हटा दो हर इंसान के चाहे सक्सेसफुल हो चाहे वो बिल्कुल एकदम वो हो नाकारा हो उसके पीछे किसका हाथ होता है बाकी तुम समझदार हो मेरे द्वारा कहा गया कोई भी वचन दिल से ना ले बस ध्यान से ले जी तो इसलिए सवाल का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कालिदास जी चलेगा देखिए मेरा भरकर मेरा एक प्रयास है कि मैं आपको ये पूरी की पूरी जो क्लास है इस क्लास में बस आपको मजे भी करा दू और सबसे बड़ी बात है कि आपको याद भी हो जाए तो आज हमने जो टॉपिक उठाया है वो आपको अच्छे से याद हो गया होगा थमनिल नहीं लगवाया था ताकि तुम पहले से ना सोच के आओ कुछ नया ले गया जी सब पत्नी के प्रेम है फिर कोई बोलेगा दिल तोड़ के हस्ती हो मेरा वफाई मेरी याद करोगे है ना हाँ और एक कह रहे हैं पर तुम्हें दूसरा गाना बाद में सुना अभी ये लो चलेगा कवि गुरु की जो उपाधि है वो किसको गई थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया टैक्स जी कवि गुरु के बारे में आपसे पूछा जा रहा है बताइएगा कौन है कवि गुरु कौन है जी कवि गुरु की उपाधि जो है बेटा गजेंद्र सर की क्लास आज कल या एक दो दिन नहीं होंगी क्योंकि गजेंद्र सर के जो बड़े मतलब पिताजी हैं मतलब उनके जो वो हैं चाचा जी है, मतलब पापा के भाई उनकी ना डेथ हो गई तो वो अपने राजस्थान गए हुए हैं तो आपके लिए दो से तीन दिन अभी उनके लिए नहीं क्लास हो पाएंगे ठीक है जैसे भी संभावना होगी आपको बता दी जाएगी चलेगा तो जो कवि गुरु हैं कवि गुरु हैं वही जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर जिसने जिन्होंने क्या है भारतीय राष्ट्रगान की क्या है लिखा है भारतीय राष्ट्रगान जन गणमन ये वाली जानकारी के साथ कवि गुरु बोला जाता है इनको रविंद्रनाथ टैगोर को बंगाली पोइटर रिटर्न ऑफ पोए शांति निकेतन की स्थापना करने वाले भी है 14 नंबर इज द द नेम ऑफ फर्स्ट एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कंट्रोलर मतलब भारत के प्रथम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नाम क्या है ये ना ऐसा होना चाहिए था आंखों के सामने चुप हो जाओ हम्म चलिएगा तो सवाल नंबर फोर्टीन के फोर्टीन आगे बताइएगा कैक कौन थे पहले हिंदुस्तान के जो कैग इनका शॉर्ट फॉर्म होती है बेटा कैक इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में होते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया इनकी जो थी भारत जब स्वतंत्र हुआ था उन्नीस के बाद उन्नीस में बने थे इनका नाम था वी नरहरिराव नरहरी राव कैग जो थे कैग के चेयरमैन इस तरह तो सवाल नंबर आपकी डिटेल में यहां आ गया जिसे कैग फ्रॉम नाइनटीन यही जाना जाता है नंबर पंद्रह फर्स्ट इंडियन रमन मेगा से अवार्डेड मतलब पहला भारतीय रमन मेगा से विजेता कौन थे बहुत ज्यादा पूछा जाता था शुरुआत में तो ये सवाल कि रमन मेगा से किसको मिला है भारत की तरफ से जी बताइएगा तो यहां पूछना चाहते हैं किसकी तरफ से मिला था ऑप्शन आपके सामने है आचार्य विनोबा भावे गुरुचरण दास जी है भगत सिंह अरविंद केजरीवाल है देखो पहली बार मिला होगा तो एक बात है, option, तो तय हाउ टू डिलीट द ऑप्शन तो अरविंद केजरीवाल जी को आप लाइन से हटा सकते हैं क्योंकि उन्हें नहीं प्राप्त हुआ जी पहला उन्हें प्राप्त नहीं हुआ अगले वाला देखेंगे क्या है जी पहली बार जो मिला था पहली बार जो मिला था ना गुरुचरण दास ना भगत सिंह जी ना अरविंद केजरीवाल जी ये मिला था आचार्य विनोदा भावे अच्छा आचार्य विनोबा भावे एक चीज के लिए और फेमस हैं, क्या कोई बता सकता है रमन मेघा से तो हो गया आचार्य विनोबा भावे और भी किसी बात के लिए फेमस है बताइएगा क्या जी किसको मिला था विनोवी जी और क्या था बेटा ये अभी 2019 अगर रिसेंट में देखा जाए तो अभी न्यूज एक न्यूज चैनल है एनडीटीवी एनडीटीवी पर 9 बजे आता है प्राइम टाइम प्राइम टाइम को लेकर आने वाले एक इंसान है जो बिहार के हैं क्रिटिसिज्म बहुत करते हैं किनका गवर्नमेंट का अच्छा है बात करते हैं लेकिन सारी चीज निगेटिव हो ये भी लाइफ में सही नहीं होता मुझे लगता है कुछ चीजें अच्छी जी तो सर ऑप्शन चैलेंजिंग नहीं है बिल्कुल इनका जवाब जो है विनोबा भाव के साथ और ये है एनडीटी पे अभी आप इसमें दे सकते हैं जी भूदान आंदोलन बहुत बढ़िया बेटा क्या है भूदान आंदोलन पवनार आश्रम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए आ, तो यहां आपके सामने एक चीज और मैं बता दू अभी जो 2019 2019 ये है रवीश कुमार किसके साथ है भाई रवीश कुमार और जो रवीश कुमार है आप जानते हैं एनडीटी पर आते हैं जी हां रवीश कुमार को मिला है इस बार 2019 का ये याद रखना फिलहाल मैंने फोटो दिखाया आगे बढ़ेंगे नया सवाल हु विल लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सेटेलाइट कोल्ड वीजा वुड स्टेन अर्थ ऑर्बिट बाय द एंड ऑफ 2021 कौन दो हजार के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह विशा स्थापित करेगा तो उसको बताइए कौन यूरोपियन स्पेस एजेंसी नासा होगा जर्मन एरोस्पेस सेंटर होगा तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी बताइएगा क्या होगा इस सवाल का सही जवाब आपके सामने जी बताइएगा जानते हैं तो बहुत बढ़िया भूदान आंदोलन के बाद 16 नंबर का जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का जो जवाब होगा याद रखिएगा एक बढ़िया है इसको करेंगे कौन यूरोपियन स्पेस एजेंसी ई एस ए याद रखना क्या है ई एस ए और ई एस ए के बारे में ये रहा तो अगर एक बढ़िया सवाल है डन स्पेस में कौन भेजेगा तो ई एस याद रखना बेटा ठीक है बढ़िया सवाल है नया सवाल सेवनटीन तेलंगाना गवर्नमेंट हैज विद वूम टू लीड फ्रॉम द स्काई तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है मतलब अब आसमान से जाएंगी दवाइयां यह है तेलंगाना सरकार का एक प्रोजेक्ट फ्लिपकार्ट ने साथ दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने रिलायंस जियो ने या फिर इनमें से किसी ने भी साथ दिया नहीं है जी न्यूजीलैंड के साथ लॉन्च किया जाए जाएगा धन्यवाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी को करेगी बहुत देखो ये सवाल ऐसे याद हो जाएंगे तुम लोगों के ठीक है जी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 तो 17 के साथ जो दे रहे हैं ये हैं। ये एक ऐसा स्कीम आई थी जिसमें हमने द्रोण से ना दवाइयों को पैक करके ले जाने का काम और इसके जो मदद करने के लिए तेलंगाना सरकार को ई कॉमर्स कंपनी आई थी वो आई थी फ्लिपकार्ट कौन आई थी फ्लिपकार्ट तो फ्लिपकार्ट ने ये मदद की है और कुछ इस तरह से था ये रहा कि आपके वैक्सीन कुछ इस तरह द्रोन के साथ या ना ये रहा तो लिखा है ना हाँ द्रोन डिलीवरी होगी यहां पर तो इसके साथ भाई आंसर होगा फ्लिपकार्ट नया सवाल क्वेश्चन नंबर एटीन विच स्टेट सीएम हैज एन एक्शन प्लान टू प्रोटेक्ट इंसेंट एंड ओल्ड एज फिफ्टी ईयर एंड अब इन अर्बन एरिया राज्य के खराब होने की स्थिति में मतलब राज्य में पेड़ों के खराब होने की स्थिति में पचास साल की उम्र और पुरानी उम्र के हिसाब से खराब होने की स्थिति अरे यार इसका ट्रांसलेशन गड़बड़ हो गया तो मैं इसको वैसे बता देता हूं ये कि कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने ये क्लियर किया है कि एक, एक एक्शन प्लान किया है प्रोटेक्ट करना है पुराने और नए ट्रीज को जो है पुराने ओल्ड की ट्रीज को जो 50 साल से क्या है पुराने हो चुके हैं अर्बन एरियाज में तो बताइएगा कौन से स्टेट है इसने क्या हिंदी का ट्रांसलेशन बेटा गड़बड़ हो गया इसका तो ये जो जवाब आएगा ये जवाब नॉर्मली जिसके साथ आए ये जो जो शहर है जो राज्य है वो कौन सा है महाराष्ट्र महाराष्ट्र ने स्कीम लेके आई है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर आप सब लोग जानते उद्धव ठाकरे हैं कौन है उद्धव ठाकरे हैं ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं चलिए नया सवाल उन्नीस नंबर वेयर इज द पेचला कोना पेचला कोना वाटरफॉल कहां पर है पेचला कोना वाटरफॉल कहां पर है आपसे पूछा जा रहा है महाराष्ट्र आंध्र केरल और कर्नाटका नाम के हिसाब से ही आप बता सकते हैं ये कहां पर है तो अगर नहीं पता तो मुझसे जानकारी ले लीजिएगा मैं बता ही दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास आंसर है तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा आंध्रा तो आंध्रा में है बेटा आंध्रा में है और इसका फोटो भी दिखा देता हूं ये रहा तो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह मेरे को बस ऐसे फोटो दिख जाते हैं ना दिल करता है घूमने जाऊं है ना दिल करे झूम गया हूं लेकिन फिर लगता है पेपर पास आ गया फिर रुक जाता हूं मैं भी सोच रहा हूँ एक दो हफ्ते की छुट्टी लेके जाऊं कहीं है ना बिल्कुल चलिएगा इस सवाल के बाद आगे बढ़ेंगे ये रहा आपके सामने नया सवाल विच आई आई टी है सेटअप द कोइटला सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ मतलब कोयता फाउंडेशन के तत्वाधान में किस आईआईटी ने डिजिटल स्वास्थ्य के लिए कोयता केंद्र की स्थापना की है आईआईटी बॉम्बे रोपर आईआईटी इंदौर या इनमें से किसी के भी पास इस सवाल का जवाब नहीं है फिलहाल है हमारा सवाल नंबर बीस देखेंगे कौन सा जी आंध्र प्रदेश में बिल्कुल मेरे बच्चे तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा आजकल मुंबई छाई हुई है तो ये जो डिजिटल वाला भी क्या है कोई था, है ना? कोई, था कोई था है ना तो आईआईटी बॉम्बे क्या होगा बेटा आईआईटी बॉम्बे बाकी मैं फोटो दिखा देता हूं ये रहा द सेंटर विल एनेबल एन इको सिस्टम दैट कैन हेल्प एड्रेस हेल्थ केयर चैलेंजेस दैट है कोविड नाइनटीन पेंडेमिक डिजिटल हेल्थ एंड इन्फॉर्मेटिक नीड क्रॉस फंक्शनल एक्सपर्टीज आईआईटी बॉम्बे कहती है ये उन्नीसवा ग्रांड स्लैम फ्रेंच ओपन दो किस जीता है कल से लेके अभी तक ये न्यूज में है हमने दी थी ये न्यूज आपको कहां पर अध्ययन मंत्र कम्युनिटी बॉक्स पर जहां पर लिखा था एक नजर सब कवर तो बताइएगा इस सवाल का जवाब कौन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी किसने जीता है ये जी उन्नीस बार है ना 19 ग्रैंड स्लैम टाइटल इन फ्रेंच ओपन 2021 ट्वेंटी, ट्वेंटी वन बताइएगा किन्ने जीता है हाँ जी अभी क्या था बताओ जरा फटाफट किसने गीत जीता ये भाई जी हां बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए नोवाक जय तो ये रहे इन्होंने 2021 का फ्रेंच ओपन जीता है बेटा याद रखना ठीक है चलिए नया आता है क्वेश्चन नंबर 22 Which was on योगा दिवस अंतरराष्ट्रीय उस दिन आपसे पूछा जा रहा है ये वाली बात क्या आपको बताना है कि कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है योगा के इस पर ऑप्शन आपके सामने ए बी सी डी में से कोई है बताइए क्या होगा सही जी बताइएगा नमस्ते इंडिया नहीं है नमस्ते इंडिया मुन्ना भाई एमबीबीएस में कहती थी विद्या बालन जी आपसे फिलहाल पूछ रहा हूं मैं यहां तो इस सवाल का जवाब मैंने पहले ही दे दिया इशारों इशारों में बाकी तुम समझदार हो फटाफट अभी दे दोगे जी हाँ तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या होगा आप इस सवाल का जब जवाब देते हैं तो इस सवाल का जवाब भाई और बहनों बिल्कुल सही होगा नमस्ते ही होगा। क्या होगा नमस्ते होगा, नमस्ते होगा। अच्छा एक बात बता दो वर्ल्ड जो अहिंसा दिवस है वो कब मनाया जाता है वैसे तुम बता दोगे मैंने गलती किया है पूछ के चलो कोई ना पूछ लिया तो पूछ लिया ये बेटा टाइटल ये लोगो है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के इन द ईयर 2021 आई डी विल सेलिब्रेट अंडर थीम योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली कोरोना के बाद में कोरोना ने सबको ये बोल दिया घर में रहो घर में ही काम करो है ना ये वाली बात इन 2020 थीम फॉर द डे वॉज योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम तो मतलब दोनों साल ऐसे ही रहा क्योंकि कोरोना की वजह से घर से बाहर निकल लें तो यहां आपके सामने जी तो इसलिए सवाल का जो जवाब होगा नमस्ते ही होगा बिल्कुल सही है आगे बढ़े जी डन दो अक्टूबर बहुत बढ़िया नया सवाल ये रहा आपके सामने वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर चाइल्ड लेबर को जो है ना जी इशारा एग्जाम में मिल जाए तो मजा आ जाए बेटा भगवान ने चाहे तो याद आ जाएगा मैंने 21 जून था 11 जून कर दिया क्या सेकेंड अक्टूबर अहिंसा दिवस ठीक है हाँ ओ सॉरी इक्कीस था भाई हाँ 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 सॉरी सोरी सॉरी हमने ग्यारह लिख दिया शायद इक्कीस था ना यहाँ टाइपिंग एरर हो गया रे। चलो अब तो अब तो ये आगे नहीं बढ़ सकता बेटा कोई नहीं ट्वेंटी थ्री का बताओ ट्वेंटी वन जून बेटा हाँ ट्वेंटी वन जून ठीक है चलो हाँ इक्कीस आगे बढ़िएगा तो यहां पूछ रहे हैं चाइल्ड लेबर जो है ये बनाया जाता है याद रखिए कब 12 जून को कब बनाया जाता है 12 जून तो जिन्होंने जवाब दिया बारह जून वो बिल्कुल बढ़िया है तेईस नंबर का ये रहा दस ही दो हजार दो में पहली बार लॉन्च किया गया था एम ऑफ रेजिंग अवेयरनेस एंड एक्टिविज्म ऑफ प्रिवेंट चाइल्ड कि बच्चे स्कूल जाएं मजदूरी पर ना जाए तो ये है बारह जून को बनाया जाता है ठीक है बारह जून बिल्कुल बढ़िया चलिए बेटा दस दिन वो फटाफट उसमें एरर हो गया उसमें है ना इक्कीस जून से ही हो गया तो आपके सामने चौबीस नंबर विच क्लास ऑफ पुलिस प्राइस ट्वेंटी जर्नलिज्म बुक्स ड्रामा एंड म्यूजिक वार अनाउंस बताइएगा इस बार जो पुलिस प्राइज अनाउंस हुए वो कितने नंबर के हुए हैं 105, 10, 103, 150। सौ बेटा 21 जून योगा डे दे, लिख देता हूं 21, वन ऑफ जून वो वहां गलती से 11 हो गया 21 फर्स्ट ऑफ जून योगा वो अंदर मैंने सही बोला था योगा डे वहां पर गलत हो गया ठीक है वहां पर टाइपिंग में फटाफट बोला यहां सही था तो आपके सामने एक और सवाल आ गया बता दो जल्दी फटाफट 24 नंबर का जवाब ये क्या होगा जी हाँ क्वेश्चन नंबर 24 कौन से नंबर का है तो इस बार जो दिया गया है ये है 105 अभी दो तीन दिन पहले भी बताया था 105 और ये रहा फोटो ट्वेंटी ट्वेंटी वेंटी वेंटी प्लाइस विनर अनाउंस हुए हैं विलिंगटन जो है लाई ये वाले सहा बेर्स इनकी बुक है सब कुछ जानकारी आपके सामने है इंडियन ऑरिजिन जर्नलिस्ट मेघार राजा गोपालन वोन पुलुजर फॉर एक्सपोजिंग चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिटेनिंग मुस्लिम ये है बुक आगे बढ़िएगा नया है पच्चीस सवाल आरबीआई गिव नोट टू री अपॉइंटमेंट ऑफ वूम एस एम डी एन सी ऑफ बंधन बैंक बंधन बैन आपका बैंक नहीं आपका भला हमारी भलाई कुछ ऐसा ही है है ना टेगलाइन पूरी पूरी याद नहीं मेरे याद है कुछ ऐसा ही है आपका भला सबकी भलाई आपका भला हाँ तो इससे रिलेटेड है आरबीआई ने इनको पहले क्या हो गया दोबारा ऐसे रीअपॉइंट करने वाली बात बोली और जो इनका नाम है का इन सब का जो नाम है जी मेघा हाँ बिल, बिल्कुल मेग ना, राज गोपालन को मिला बेटा बहुत बढ़िया इनका नाम है चंद्रशेखर घोष क्या नाम है चंद्रशेखर घोष और ये रहा इस फोटो के साथ आपके सामने डिटेल बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज फाउंडेड हुआ था 23 अगस्त को हजार पंद्रह को पांच अभी पांच साल पर इन्होंने एक हां ना तो खाता जब है हमने भी देखा ये अपने शेयर्स भी बेचे थे इनके शेयर्स पहले सस्ते खरीद लिए गए बाद में जब लोगों ने बेका तो कमाई हुई तो उसके बाद कुछ वीडियो भी आती हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर्स क्या आप लोग भी कैसे चाहते हैं चलेगा आगे देखेंगे 26 नंबर कहना चाहता है व्हिच स्टेट विल लॉन्च युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान टुडे अवेयरनेस अमंग पीपल ऑन कोविड-19 युवा शक्ति मुक्त अभियान जो है कौन से स्टेट ने चलाया है बहुत बढ़िया जवाब है बताइए किसने चलाया है सवाल नंबर ए बी सी डी जी क्या होगा सही जवाब जिन्होंने किसने चलाया देखो योजना के चलाने में अगर कभी भी तुम्हारा दिमाग कहीं ना लगे ना दिमाग लगे योजना अगर मेरे को लगता है सबसे ज्यादा किसी स्टेट में आती है तो भाई एम है अगर कभी गलती से तुम्हें ना याद रहे और तुम्हें लगे बम्बे वो अस्सी नब्बे पूरे सो, तो एक ही नाम लिखना शिवराज सिंह चौहान जहां होते हैं वहां ये योजनाएं ना बहुत ज्यादा तरीके से चलती हैं इस सवाल का जवाब होगा एम और एमपी जिसने चुना ये रहा फ्री फ्रॉम कोरोना विद द हेल्प ऑफ यूथ कैंपेन आगे नंबर सत्ताईस रिसेंटली कोस्ट गार्ड protect olive रेडली टर्टल्स इन विच स्टेट हाल ही में तटरक्षक बल ने किस राज्य में ओलिव रेडले कछुओं की रक्षा के लिए कानून को लागू किया और ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया याद रखिएगा बहुत बढ़िया है ऑपरेशन ओलिविया तो रिसेंट जवाब है रिसेंट सवाल है बताइएगा मैं हमारा मध्य प्रदेश वहां मेरा बच्चे तुम्हारा तो यहाँ जी सवाल नंबर इस बस इस बात का दिमाग रखना सबसे ज्यादा अगर लॉन्च होती है तो मतलब हद्दी होती है जी तो ये जो है बेटा ओलाविया जो चलाया है इसको किया है उड़ीसा ने किसने चलाया है उड़ीसा ने तो उड़ीसा के साथ याद रखिएगा जी और वो मेरे एक सवाल दिमाग में से निकल गया फिलहाल इसके इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी है कोस्ट गार्ड जो फाउंडेशन हुआ था 1977 में एक फरवरी को हेड क्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली में है डायरेक्टर जनरल फिलहाल कृष्णा स्वामी नटराजन है आपके सामने इस जानकारी के बाद ये इनका लोगो है व्यम रक्षाम तो आगे बढ़ेंगे नया सवाल देखेंगे ये रहा पूछता है अट्ठाइस नंबर आपसे ये कि हाल ही में किस नियामक संस्था ने माइक्रो फाइनेंस के नियमन पर सलाहकार दस्तावेज जारी किया है तो रेगुलेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस रिसेंटली किसने लॉन्च किया होगा आप देखिएगा इन सवालों का जवाब चुनते टाइम जी नवीन पटनायक जी उड़ीसा के क्या है मुख्यमंत्री बिल्कुल सही नवीन पटनायक उड़ीसा के क्या है हमारा उड़ीसा नियाज सुल्ताना जी कहती हैं हमारे पास सब है देखो ऐसी कोई भी जानकारी जब इतनी बड़ी हो रेगुलेटरी या रेगुलेशन पर तो उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो ये आइडिया लगा लेना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये रहा अच्छा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कल ही बताया था मैंने फिटाफट फिर दोबारा दोबारा बता दो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं फिलहाल कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है फटाफट बताइएगा मैं नया सवाल ले आता हूं ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन कहता है जी सर्टिफाइड दैट जर डालू मैंगोज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन एक्सपोर्टेड टू यूनाइटेड किंगडम रिसेंटली जीआई से प्रमाणित किया हाल ही में निम्नलिखित में किस राज्य में जर डालू आम यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया जा रहा है आपसे पूछ 1935 में स्थापना हुई थी आरबीआई की बहुत बढ़िया और फिलहाल हमने बताया था कि शक्तिकांत दास जो है ना जी हाँ शक्तिकांत दास जो साहब हैं वो हमारे क्या हैं आरबीआई के गवर्नर हैं फिलहाल आपके सामने एक और सवाल है जिसकी जानकारी आपको देने फिलहाल उत्तर प्रदेश तमिलनाडु बिहार मध्य प्रदेश और जहां आम के बारे में बात करते हैं तो ये रसीला रसीला जो आम है ये है कहां से जरदालू तो जरदालू ना उत्तर प्रदेश ना तमिलनाडु ना मध्य प्रदेश ये है बिहार से तो बिहार का ये आम है जो पहुंच रहा अब कहा है विदेशों में जहां पहुंच रहे हैं कहा कि लंदन पहुंच गया है ना लंदन में जा रहा है ये वाला आम खाएगा राहुल अच्छा तुम लोग खा लो खालो, देख लो हो गया अरे भाई साहब देखो कितना टेस्टी टेस्टी सा आया ना मजा सा आया हाँ, वैसे मैं खिला सकता हूँ चलो इसके दस रुपए अलग से अकाउंट में डाल देना मेरा है ना बिहार का आम खिला रहा रहा मैं तुम्हें तो तो अकाउंट में डाल देना नया सवाल ये रहा। जर तो सवाल सवाल देखो ये जरदालू नंबर ग्लोबल वाइन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डे तो आपसे पूछा जा रहा है विश्व वैश्विक पवन दिवस हर साल किस तारीख को बनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी भाई तुम्हारा बिहार हमारा बिहार हमारा राजस्थान तुम्हारा राजस्थान हमारा हमारा उड़ीसा तुम्हारा उड़ीसा उड़ी तुम भी सारे सारी होगी हमारा हाँ सर कच्चा लग रहा है हाँ बेटा पकाई हो घर में ले जाके हैं आटे में दबा दियो हमारे यहाँ तो गांव में हुआ था ना जो भूस होता था भूस जानता है तो क्या होता है जो गेहूं कटते हैं ना तो गेहूं कटने के बाद जो भूसा होता है एक तरफ निकलता है गेहूं एक तरफ भूसा तो कुछ भी चीज जब छुपाने की होती थी ना उसमें देके आ जाते थे दूसरे दिन पका पका निकल रहा था उसमें ना जी तो सवाल नंबर थर्टी आपसे पूछा जा रहा है ये है आज से दो दिन पहले आज सत्रह तारीख है ना जी हाँ पंद्रह जून को बनाया गया विश्व पवन दिवस आगे बढ़िएगा फोटो हम दिखा देंगे ये रहा नया सवाल इकतीस नंबर द फाइनल अथॉरिटी टू मेक ए प्रो ऑफ इमरजेंसी रेस्ट विद मतलब आपातकाल की उद्घोषणा करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है अंतिम अधिकार किसके पास होता है जी हमारा दिल्ली सबकी दिल्ली ठीक है हाँ ये वाला पंद्रह जून बिल्कुल सही हो गया आगे बढ़िएगा मेरे को भैया आम से बढ़िया कोई फल नहीं लगता जिंदगी में जो आ, मेरा अगर मेरा फेवरेट मेरा फेवरेट फल मतलब आम मेरे को मतलब आज के टाइम अगर पूरे दिन रोटी ना मिले कुछ ना मिले और दोनों तीनों टाइम आम मिल जाए तो फिर मेरे को ना आम की ऐसे याद आती है मतलब समझ लो जिसे जैसे किसी का ब्रेकअप हो जाए ना तो ऐसे किसी की याद आएगी तो जब आम चला जाता है ना तो कई दिनों तक एक दो हफ्ते तक मेरे को आम की बहुत याद आती है हाँ आम की याद में तो मैं पेड़ लगवा सकता हूँ ठीक है पर दिक्कत ही है ना आम आएगा अपने टाइम पर ही कुछ किया नहीं जा सकता चलो तो यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्टी वन का जो जवाब होगा हाँ जी थर्टी वन का जो सही जवाब है देश के राष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति जो फिलहाल हैं रामनाथ कोविंद जी और आपके सामने ये रहा आज का रामनाथ कोविंद जो फिलहाल क्या है देश के प्रेसिडेंट हैं बोर्न हुआ था 1945 में एन इंडियन पॉलिटिशियन सर्विंग फोर्टीन एंड करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो कोई पूछेगा तो बेटा क्या है फोर्टीन प्राइम मिनिस्टर ठीक है चलिए प्रेजिडेंट आगे देखेंगे और ये बिहार से चुनाव लड़के जीता करते थे क्वेश्चन नंबर थर्टी टू हु ऑफ बिहार गांधी और बिहार ये जो है आज की जो पीपीटी आई है हमारे पास ये भेजी है सलोनी गुप्ता जी ने और सलोनी गुप्ता ने जब इसको भेजा तो इस सवाल में उन्होंने सवाल थे इसके बाद हमने इसमें पता है इस पीपीटी को बनने में ना दो से तीन सिस्टम गुजरते हैं मतलब अध्ययन मंत्रा की एक लोती ऐसी ये पीपीटी होती है जिसे ना तीन चार फेज से गुजरना पड़ता है तीन चार फेज क्या होते हैं एक बच्चा भेजता है फिर उसके बाद हम उसमें देखते हैं फिर उसके बाद एक टीम आती है जिसके साथ क्या करती है पीपीटी में फोटो लगाती है उस फोटो लगाने के बाद फिर ये फाइनल चेक होता है फाइनल चेक होने के बाद आप तक आता है ताकि कोई भी नॉलेज तो प्लीज उन सारे लोगों को थैंक यू जरूर बोलिएगा चाहे मेरे को साइड रख दें फिलहाल इस सवाल का जो सही जवाब है बिहार से जो गांधी ओ बिहार जो है वो जाने जाते हैं देश के पहले राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये रहा इनका फोटो जी आगे देखेंगे नया सवाल क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री और मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो करंट अफेयर की सीरीज स्टेटिक्स जी के स्टेटिक जीके वाली होगी ये बेहतरीन लगती जा रही हो क्योंकि आपका जो हम रिस्पॉन्स देख रहा हूं डेली आप शुरुआत हुए थे दो सौ तीन आज शायद हजार की तरफ जा रहे हैं तो हम जल्दी ले लेंगे ठीक है चलिएगा तो आगे बढ़ते हैं इस सवाल के साथ जो है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री में आपसे पूछ

तो इसका मोटो जो है संस्कृत विद्या अमृत मिर्च मोटो इन इंग्लिश होता है लाइफ इंटरनल थ्रू लर्निंग टाइप इसका स्टेब्लिश हुआ नाइनटीन सिक्सटी ईयर्स है मतलब मतलब और जो है रमेश पोखरियाल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन फिलहाल है इनके और इनके जो है हमारे डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर हर सेनापति तो ये याद रखिएगा जी करेक्ट आंसर जो होगा 1961 ये रहा नया सवाल व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क डेनमार्क के पार्लियामेंट का नाम क्या है एक नया सवाल आपके सामने जो हमने दिया है जी हाँ नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग जी वीना दक्ष बिल्कुल सही है आप आगे बढ़िए एनसीआरटी से छोटा होता है एस सी आर टी एस जो एनसी नेशनल होता है एस सी स्टेट हो जाता है ये फर्क होता है सीडीपी बेटा शाम को मिलेगी एकदम उसी टाइम, टाइम नौ बज के आज सीडीपी में एक बार फिर फोटो दिखा देना दे, राहुल सर एक बार आज बेटा मजा आएगा सीडीपी में इसके क्वेश्चन भी करेंगे ये थिंकिंग जो ट्रॉफी है ना ये वाला जो थिंकिंग ट्रॉफी आपके सामने आएगी क्वेश्चंस के साथ तो शाम को मिलेंगे आपसे चलिए फिलहाल इस सवाल का जवाब दीजिएगा जो है डेनमार्क की पार्लियामेंट का नाम तो डेनमार्क की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है आपके सामने आपके नजरों के सामने ये रहा जी तो ये है भाई ना कांग्रेस है ना चैम्बर ना नेशनल बिल्कुल अलग फॉल कैटिंग है ना तो ये जवाब है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एक अजीब सा नाम था इसलिए और देखो ऐसे लगता है जैसे हिंदुस्तान का ताज होटल हो बिल्कुल मतलब उससे भी थोड़ा बेहतरीन ही लग रहा है हमारे यहां दिखते हैं गोल 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 वाले यहां बिल्कुल एक इसमें लाइन में लंबा तो इस सवाल का जवाब होगा दानिश पार्लियामेंट इंग्लिश हिंदा बाकी सारी चीजें पार्लियामेंट के साथ है फोल द पीपल्स थिंग और पीपल्स असेंबली के नाम से जाना जाता है नंबर थर्टी फाइव वाट इज द न्यू नेम ऑफ जोग और ग्रासोपा फॉल्स जोग या ग्रोपा जल प्रताप का जो नया नाम है वो क्या है इंपोर्टेंट सवाल है बताइएगा क्या होगा जी इंपोर्टेंट सवाल है बताइएगा ये जो फॉल है ये कहां पर है अगर ये बता दे तो मजा ही आ जाएगा सर बेटा जिसको जिस भी बच्चे को लगता है वो मुझे क्वेश्चन सेंड करना चाहता है उन्हीं की देखिए मेरा मतलब आप तक मैक्सिमम तरीके से पहुंचना है और वो इस तरह की आपकी बस नॉलेज और पेपर पास हो बढ़िया से तो जिन लोगों को लगता है वो मदद करना चाहते हैं और पीपीटी तो ऑलरेडी उनमें से बेस्ट वाली मैं सिलेक्ट करके फिर आपके पास भेज देता हूँ ये रही ई मेल आप यहां अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं आपको लगता है सर हम टाइप नहीं कर सकते हाथों से लिख के भेज सकते हैं तो भेज दो कोई दिक्कत नहीं है चलो तो इस सवाल का जवाब आपके सामने और जिन लोगों ने कम लाइक करे बेशर्मो कर दिया कर लाइक तुम्हारा क्या जाएगा हमें तो मौका मिल जाएगा खुश होने का है इसमें मेरा घाटा तुम्हारा कुछ नहीं जाता अंगूठा बिल्कुल दबाता एक लाइक बढ़ जाता आओ जरा नया सवाल क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव इनका याद रखिएगा महात्मा गांधी को इनको नाम दिया गया है क्या महात्मा गांधी फॉल्स तो बेटा याद रखना जो गोरघर सोपा जो फॉल्स हैं उनका नया नाम है महात्मा गांधी फॉल्स इस तरह देखेगा ये चलो आगे देखो नया सवाल जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच आपसे पूछा जा रहा है कौन सा बिल्कुल भी करेक्टली मैच नहीं है मैं हिंदी के लिए भेजना चाहूं बिल्कुल किसी के लिए भेजिए स्वागत है आपका कर्नाटक बिल्कुल सारस्वती नदी कर्नाटक बहुत बढ़िया कर्नाटक परफेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स आप लोगों के सामने आ गया और थर्टी सिक्स में पूछ रहे हैं किसके साथ जी बिल्कुल मेरा कोई दिक्कत नहीं पेन पेपर पेंसिल जो भी भेजना चाहो क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स बस मजा आ जाए बच्चों को सवाल करने में ऐसे होने चाहिए तो क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स बता देते हैं जो है आपके सामने बेटा याद रखना बस पिछवाल जो पेंटिंग है गुजरात वो है गलत मधुबनी बिहार की है पुलकारी हरियाणा की है पुलकारी हां फुलकारी के बारे में तो एक मूवी भी आई थी वो भी जानते हो तुम लोग ना और जो कालमकारी आर्ट है आंध्र प्रदेश की पिछवारी गलत है और सही जवाब ये करेक्ट आंसर पिछवारी पेंटिंग इज नॉट रिलेटेड गुजरात पिछवाड़ी आर लार्ज डिवोशनल हिंदू पेंटिंग पिक्चर्स नॉर्मली ऑन क्लोथ विच पोर्ट्रेट कृष्णा दे आर मेनली मेड टू हैंग ऑफ हिंदू टेम्पल्स ऑफ द ट्रेडिशनल स्पेशली द श्री नथवाड़ा राजस्थान बिल्ट अराउंड 1672 ये नया सवाल देखो जानकारी दे दी ओल्डेस्ट रोक एंड आर्किटेक्चर इन इंडिया फाउंडेशन सबसे पुराना रोकआउट वास्तुकला हिंदुस्तान में कहा पाया जाता है ये पूछा जा रहा है आपसे राजस्थान बिहार कर्नाटका मिजोरम क्या होगा इस सवाल का सही जवाब और सबसे ज्यादा ये बिल्कुल एकदम पुराना जी फुलकारी पंजाब में है पी वाला वो अलग वो है ठीक है वो वाला अलग है फुल अरे पगलो ये देखो अब आगे नहीं जा सकता फिर दिखाऊंगा वो ऑप्शन अलग था हट के देखना देखे भाई क्या कह रहे हैं मजा नहीं आता किस चीज में अरे बेटा वो अरे यार तुमने फुलकारी मूवी नहीं देखी अनुष्का उसकी पंजाब और हरियाणा वाली दोनों में लिखा आगे चलते वो सही है वहां बिल्कुल पंजाब में भी है ठीक है बेटा रात के क्विज में हिंदी में क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे हैं ओके चलो यहां सबसे पुराना जो है क्वेश्चन नंबर ये भी बिहार का है कहां पर है बिहार तो जिन लोगों ने बिहार ये है फोटो आपके सामने ये रोकाउट जो बार हा बाबर के समय का बार के बिहार विच बिल्ट अराउंड द थर्ड सेंचुरी बीसी में ठीक है बराबर चलो क्वेश्चन नंबर थर्टी एट विच ऑफ द स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ चाइना चाइना के साथ हिंदुस्तान का वो कौन सा स्टेट है जो सबसे बड़ी क्या करता है बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री कौन सा स्टेट शेयर करता है सिक्किम हिमाचल अरुणाचल उत्तराखंड क्या होगा सवाल का सही जवाब जी सबसे बढ़िया सबसे ज्यादा बड़ा जो है वो कौन शेयर करता है फटाफट बताइएगा जल्दी आपके सामने आज की पीपीटी जैसे ही क्लास खत्म हो गया आप तक शेयर हो जाएगी जी बराबर के शौक चलिएगा यहाँ जो इस सवाल का सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ सबसे बड़ी अपनी क्या करता है लॉन्गेस्ट बाउंड्री क्या करता है शेर जी हाँ अरुणाचल प्रदेश सेवन सिस्टर स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट ऑफ द सेवन सिस्टर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया बाय एरिया अरुणाचल प्रदेश शेयर वन वन टू नाइन किलोमीटर बॉर्डर विथ चाइना तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के साथ ये आपके सामने फोटो आगे देखें नया सवाल उनतालीस वेयर इज द कंकेर प्लेस लोकेटेड आपसे पूछा जा रहा है कांकेर जो प्लेस है वो कहां पर है कांकेर जो प्लेस है वो कहां पर है आपके पूछा जा रहा फटाफट जवाब दीजिएगा कांकेर प्लेस कहां पर है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी जी कांकेर प्लेस और बिहार में होगा दिल्ली में छत्तीसगढ़ असम कहां पर है तो चलिएगा बिहार से यहां पर ये जो है ये कहाँ है छत्तीसगढ़ और इनका फोटो है ये रहा बड़ा फेमस प्लेस है इसलिए आपको दिखाया गया है नया सवाल ये रहा वाल्मीकि है पंचवटी अ की पार्ट ऑफ वाल्मीकि रामायण इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया आपने देखा था पंचवटी पंचवटी जो है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है वाल्मीकि की रामायण में वो बताइएगा हिंदुस्तान के किस क्षेत्र में किस राज्य में है फिलहाल तमिलनाडु तमिलनाडु में महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड जी बताइएगा तो याद रखे ये जो है ये महाराज जो पंचवटी जो है वो कहां पर है महाराष्ट्र कहां पर महाराष्ट्र वाल्मीकि रामायण का एक प्रसिद्ध जगह पंचवटी नंबर है चालीस इन विच स्टेट इन विच स्टेट सस्त मकोटा लेक लोकेटेड बताइएगा सस्तमकोटा झील किस राज्य में स्थित है तेलंगाना केरला तमिलनाडु या कहा जी फोर्टी का एक बिल्कुल बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने महाराष्ट्र में है पंचवटी जी अगर आता है आपके सामने नया सवाल जो हमने दिया है फिलहाल क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन और फोर्टी वन का जो सही जवाब होगा ये याद रखिए है केरला में कहां पर है ये जो झील है ये कहा है केरला में केरला के सामने सनसेट का आपके सामने फोटो है इस तरह देखते हुए आगे देखेंगे बयालीस नंबर बढ़िया ध्यान से सुनिए द कोटेशन ये कोटेशन है bombs and pistols बॉम्बस एंड पिस्टल्स डू नॉट मेक ए रिवेल्यूएशन दोर्ट ऑफ द रिवेल इज ऑन दिटिंग स्टोन ऑफ आइडिया बिलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स मतलब बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं होती क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती है यह कथन की स्वतंत्रता से ग्रामी के हैं बताइएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू सोच के देखिएगा आप लोग सोचेंगे कुछ गलत गलत ना हो जाइएगा इसकी पीपीटी बेटा टेलीग्राम चैनल पर शेयर होगी ठीक है माधवी चलेगा तो यहाँ सवाल का जो जवाब है वो कौन होगा बताइएगा सवाल का जो जवाब होगा होगी बात चलेगा तो सवाल नंबर फोर्टी टू का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी तो फोर्टी टू का जो सही जवाब है ये है भगत सिंह तो आपने सोचा भी नहीं होगा आप सवाल का जवाब देंगे कुछ और लेकिन इस सवाल का जो सही जवाब है वो है सरदार भगत सिंह जी हाँ बस हो गया भाई खत्म दो मिनट बस है ना मेरा ये बच्चे थोड़ा लेट है ना दो सरदार भगत सिंह की लाइन है बेटा आप लोगों ने देखो कुछ और ही चुन लिया है ना तो मैं लगा अहिंसा का कुछ बात होगी नंबर फोर्टी थ्री राइटर ऑफ द बुक वाइज एंड अदरवाइज ये कहते हैं वाइज एंड अदरवाइज ये जो पुस्तक है ये किसकी है नहीं बाल गंगाधर तिलक नहीं भगत सिंह जी की थी मैंने कहा ना कभी कभी आप लोगों की नजरों के सामने वो आ जाता है जिसको आपको लगता है आपको लगता है कि भगत सिंह ने तो मतलब बंदूक से और उनसे किए हो गया तो शब्दों का थोड़ा सा जी तो ये जो भाई सवाल होगा इसके जो लेखक है इसके लेखक भी देख लीजिएगा इनके लेखक है आपके कौन है मूर्ति सुधा मूर्ति है जिनकी बुक है वाइस एंड अदरवाइज ये रहा नया सवाल फोर्टी आपसे पूछ रहे हैं कि बुमचू बुमचू इज ए यूनिक कल्चर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडियन स्टेट बुमचू विशु जो है वो कौन से स्टेट में बनाए जाने वाला फेस्टिवल है ऑप्शन और ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें आप मुंह पर नकाब पहन के चलते हैं जैसे डरावना नकाब होता है बिल्कुल देख के डर लगता है और ये कुछ कुछ वैसा ही है जो एक मूवी आई थी हाल फिलहाल उसकी आई थी आ, अरे टाइगर श्रोफ वो राधे मूवी में कौन सी रोइन है दिशा पठानी है ना हाँ तो ये वाली वही तो उसमें तो फिलहाल इस सवाल का जवाब है सिक्किम जिन लोगों ने सिक्किम दिया ये रहा फोटो और नया और आखिरी सवाल आज का हु द आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल ताजमहल के वास्तुकार का नाम बताइएगा ताजमहल के जो वास्तुकार हैं उनका नाम क्या होगा उस, उस्ताद अहमद लाहौरी नॉर्मन फोस्टर हेनरी एरव या उस्ताद घनी कुतुबुद्दीन बताइएगा क्या होगा उन साहब का नाम जी तो इन सवाल का जो सही जवाब होगा हाँ दिशा पठानी सब ने बता दी फटाफट देखो वैसे कुछ नाम याद ना, न रहे इनको ये नाम याद रहते हैं इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया उस उस्ताद अहमद लाहौरी इस फिलहाल का सही जवाब होगा ये फिलहाल बढ़ेंगे आगे आपके सामने इसकी डिटेल के साथ तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था और यहां आज के पैंतालीस सवाल आपके समाप्त होते हैं आज का सवाल हम आपको इनामी राशि का सवाल पूछ लेते हैं फटाफट किरंदे ठीक है चलो आखिरी सवाल फटाफट पूछ लेते हैं बेटा अध्ययन मंत्र आपके लिए ना टीजीटी पीजीटी वालों के लिए स्पेशल एक सीरीज सीरीज टेस्ट सेरी जला रहा है जिसका अनाउंसमेंट बहुत जल्द आपके सामने लकी वैद्वान या फिर आपको करेंगे कौन देव सुतार साहब वो आपको अनाउंस करेंगे उनका अनाउंसमेंट मैं नहीं करने वाला ठीक है वो आपको जानकारी बड़ी फटाफट मिल जाएगी बस आज का फटाफट एक सवाल और ले लेते हैं जो आपका इनामी राशि सवाल होगा रेडी चलो hmm. दो का हो गया दो का हो गया दो का हो गया पूछ ले चलो तो आज का एक सवाल पूछ लेते हैं फिर उसके बाद आज छुट्टी कर देंगे तो आज का जो सवाल है वो है ये आज का इनाम भले ना दो पर पूछ जरूर लो सही हो तुम भी एकदम एक मिनट रुको मेरा सवाल खो गया बहुत बढ़िया लेके आया था मैं आपके लिए टेलीग्राम पे आज की पीपीटी शेयर होगी बता देना हाँ चलो बताओ हिंदुस्तान का एक जो स्टेट है जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक स्टेट है जम्मू कश्मीर पेन को बदल लिया मैंने तो जे एंड के का जे एंड के का एक जो स्टेट है एक जो स्टेट है उसका एक गांव है और उसका डिस्ट्रिक्ट है कुछ ज्यादा हो जाएगा मुश्किल मेरे को लग रहा चलो छोड़ो तुम जम्मू कश्मीर का एक गांव है उसका नाम बताना है जिसने हंड्रेड परसेंट वैक्सीनेशन के बारे में हुआ है कि यहां पर हर इंसान को कौन जम्मू कश्मीर के उस गांव का नाम बताइएगा जहां पर 100 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुका है ये एक डेटा आया है उस स्टेट का नहीं उस गांव का नाम बताना है विलेज में बता देता हूं जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो है बंदीपोरा बंदीपोरा है आपका डिस्ट्रिक्ट लेकिन गांव का नाम बताना है वो क्या है जी गाँव का नाम बेनगांव जी नहीं हिमांशु भी गलत स्पेलिंग गलत आ रही है बता रहा हूं बहुत सारे एक ही गलत है निशा निशा उख, उख, ये, निशा ऊपर ये सांगवान निशा सांगवान जो है उन्होंने बिल्कुल सही स्पेलिंग के साथ बोला है थोड़ा सा नीचे कर रहा थोड़ा सा ऊपर बस ये लड़, लड़की है ये वाला हाँ निशा सांगवान जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है वी जो वी यान ये है वो आपका गांव जो जम्मू कश्मीर के बोंदीपुरा जिले में आता है जहां पर सबसे पहले 100 परसेंट वैक्सीनेशन के बारे में बात तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी तो हम समाप्त करते हैं क्योंकि हमारे साथ अभी फिलहाल दीपक सर जुड़े हुए है हैं मेरी लाइन के बाद ही तो उनकी लाइन चालू है ठीक है तो थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत नमस्कार खुश रहिए मुस्कुराते रहिएगा अपना ध्यान रखिएगा कांग्रेचुलेशन निशा ठीक है बाकी मैं शाम को मिलता हूं नौ बजे छह टोपी वाली थ्योरी के साथ बाय बाय

मैं आ रहा हूं आपको इतिहास पढ़ाने हिस्ट्री रचेंगे हिस्ट्री को रच देंगे नंबर लाएंगे पूरे में से पूरे बच्चा पार्टी मैं संदीप सिंह आपकी रीजनिंग की फैकल्टी इस बार आपको दिलाने आ रहा हूं डी में 20 में 20 तो चलिए करते हैं रीजनिंग का सारा फंडा क्लियर हेलो एवरी दिस इज दीपक हेयर मैं आ रहा हूँ आपको इंग्लिश पढ़ाने डी ट्रिपल एस बी में इस बार हमारा टारगेट है बीस में से बीस और मैं गजेंद्र सिंह आ रहा हूँ आपको ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए सो बी रेडी टू स्कोर बेस्ट इन ज्योग्राफी जी नमस्कार मैं कौशल सारस्वत मैं लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए फिजिक्स जिसमें आप करेंगे अपने आप को पहले से ज्यादा बेहतर जी मैं आ रहा हूँ आपको मैथ्स पढ़ाने और आप आए जय के साथ विजय पाने जय भारत